दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे इस टेबल टॉप वॉश बेसिन को मैं फिट करके बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को मैं नाप लेता हूँ यहाँ पे, और इसका ठीक सेंटर में यहाँ पे वॉश बेसिन को मैं इस टेबल टॉप वॉश बेसिन को फिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे 23 इंच आ रहा है, तो दोनों साइड में मैं नाप कर दोस्तों पहले लंबा सा मार्किंग कर लिया था यहाँ पे, और उसके बाद मैं इसका ठीक सेंटर में यहाँ पे इस वॉश बेसिन को मैं रखूँगा टेबल टॉप वॉश बेसिन को, और उसके बाद मैं इसका वेस्ट कवरिंग का है मार्क करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो मतलब ये जो वॉश बेसिन है, मैं सामने के साइड से लगभग 1 इंच जगह छोड़कर इस वॉश बेसिन को बिठाया हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं इसका वेस्ट कवरिंग का मैं मार्क किया हूँ। तो यहाँ पर आगे के साइड में दोस्तों बेसिन लगने के बाद में जो भी जगह बचता है उसका सेंटर में मैं इसका पिलर को लगाने वाला हूँ। तो इसको मैं इसका जामनाट को देखकर इसका मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं एक मार्किंग किया था पहले, और ये जो है ये वाला परमानेंट हुआ है। अब इसके बाद में इसका जामनाट को देकर भी मैं मार्क कर लेता हूँ पिलर कोक का। अब इसको मैं कोर कटिंग करने वाला हूँ यहाँ पे। ये जो है दोस्तों 20 mm का डायमंड कटर पाना से यहाँ पर इसका पिलर कोक का जो है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को मैं होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देख लीजिए। तो होल्ड करते समय आपको दोस्तों डायमंड जो कटर है उसके साथ में आपको पानी का यूज़ करना है, तो क्या दोस्तों मतलब होल बहुत अच्छे से होगा और धूल भी नहीं उड़ेगा, और साथ ही साथ डायमंड जो कटर पाना है वो भी आपका सेफ रहेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, अब जो है होल हो चुका है, तो अब मैं इसका पिलर कोक को मैं एक बार बिठा कर देख लेता हूँ। आप देख लीजिए ये आ गया है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मैं दोस्तों वेस्ट कवरिंग का भी एक सेंटर में मैं यहाँ पर इसका होल कर लूँगा यहाँ पर, मतलब मार्क करने के लिए यहाँ पर इसको। दोस्तों यहाँ पे इस वॉश बेसिन में एक अलग से खाँचा आया हुआ है, आप देख सकते हो, जो कि 1 इंच निकला हुआ है। तो इसको मैं सबसे पहले नाप लेता हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद मैं नाप कर मुझे मार्किंग करना है, और इसको दोस्तों काटना है यहाँ पे, तभी ये वॉश बेसिन बैठ पाएगा, नहीं तो जो है मतलब ये वॉश बेसिन बैठेगा नहीं, मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, मैं इसका मार्किंग कर लिया हूँ यहाँ पर, 5x5 का मैं इसका खाँचा काटूँगा, तो ये बेसिन ठीक से बैठेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, जो सेंटर किया था मैं वेस्ट कैबिन को, उसका सेंटर से 50-50 कर मार्किंग कर लिया था। अब इसको मैं काट लेता हूँ फटाफट ग्राइंडर से, आप देख सकते हो दोस्तों इसको मैं काट चुका हूँ। अब मैं इसको निकाल लूँगा, छेनी हथौड़ा से ठोक कर निकाल लूँगा, मतलब जो भी है, तो क्या बेसिन दोस्तों अच्छे से बैठ जाएगा यहाँ पर। तो इसको मैं फटाफट तोड़ लेता हूँ, और आप लोगों को अभी इस वॉश बेसिन को लगा के बताऊँगा, साथ ही साथ इसका पानी भी आपको चालू करके बताऊँगा यहाँ पे। अब देख लीजिए दोस्तों, इसका ऊपर का ये निकालने के बाद में जो भी मतलब हल्का रह गया, तो उसको मैं ग्लेंडर से काट लेता हूँ, ताकि ये मतलब क्रैक ना हो जाए यहाँ पर। तो अब देख सकते हो ये खाँचा पूरा निकल गया है 5x5 का, यहाँ पर 5x5 का सीधा मैं बिल्कुल मैं खाँचा मार लेता। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर बैठा है, तो मतलब 1/2 इंच उठकर रहता है। अब जैसे ही मैं इसका खाँचा काट लूँ यहाँ पे, तो ये जो है पूरा बैठ जाएगा, ये वाला भाग 1 इंच लगभग निकला हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे दोस्तों इसका जो मैं बाहर का फेस में इसका ये जो है ये वाला फेस में मैं सिलिकॉन लगा दूँगा, और इसको दोस्तों बिठा दूँगा यहाँ पर। अब देख लीजिए, अब मैं इसको सिलिकॉन लगाकर इसको सेंटर कर मैं इसको बिठा दूंगा, तो क्या दोस्तों एकदम परमानेंट फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और पानी भी अंदर से नहीं जाएगा यहाँ पे। आप देख लीजिए दोस्तों, बेसिन जो है बैठ गया है पूरा एकदम मतलब प्लेटफॉर्म के साथ में। अगर मैं वो खाँचा नहीं काटता तो क्या दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो जाता, बाद में वो लीकेज होने का चांसेस रहता, इसीलिए वो जो है खाँचा काट कर मैं वॉश बेसिन को बिठाया हूँ यहाँ पर। अब उसके बाद मैं इसका पिलर कोक को मैं लगा देता हूँ, और नीचे से इसका जामनट को दोस्तों टाइट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बॉक्स पाना से आपको टाइट कर देना है ऐसे, 24x27 का जो बॉक्स पाना था स्पेनर, इसको पकड़ कर आपको जामनट को लगा देना है। अब देख लीजिए, अब मैं ऊपर से नल को सीधा कर लेता हूँ यहाँ पे इस पिलर कोक को। तो ये जो है बिल्कुल दोस्तों पिलर कोक जो है बिल्कुल वेस्ट कवरिंग का सेंटर में होना चाहिए, आप देख लीजिए यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसका जो है वेस्ट कवरिंग को मैं व्हाइट सीमेंट देकर लगाऊँगा, जो है पॉपअप वाला वेस्ट कवरिंग है, तो इसको वाइट सीमेंट से मैं इसको यहाँ पे दोस्तों सीमेंट देकर सही से इसको पुश कर देता हूँ, और नीचे से इसका जामनट को वाइसर पहले, उसके बाद में इसका नीचे का जो जामनट है उसको मैं लगा दूँगा।
और पकड़ से पकड़ कर इसका जो है जामनाट को दोस्तों मैं सही से टाइट कर दूंगा, ये आप देख सकते हो। और दोस्तों अगर आप इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप उसे प्रेस करके चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और साथ ही साथ एक कॉमेंट करके जाइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे उसके बाद में इसका दोस्तों टाइट करने के बाद में इसका ऊपर का पॉपअप का जो भाग था उसको मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, प्रेस करने पर ये लॉक हो जाता है, उसके बाद में फिर प्रेस करने पर ये अनलॉक हो जाता है। तभी मैं आपको पानी चालू करके बताऊँगा ये कैसे काम करता है यहाँ पे, और इसका पानी का फ्लो भी मैं दिखाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे इसका नीचे का दोस्तों वेस्ट कपलिन यहाँ पे और इसका वेस्ट पाइप मैं लगा दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे क्या है दोस्तों, कैबिनेट बनने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसका बोतल टैप नहीं लगाया हूँ। तो क्या कैबिनेट बनेगा, नीचे ड्रायर वगैरह रहेगा, तो अगर बोतल टैप लगाऊंगा तो नड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए दोस्तों ये सिंपल सा मतलब नीचे वेस्ट पाइप सिस्टम मैं यहाँ पर लगाया हूँ, अब देख लीजिए। तो जब कैबिनेट बन जाएगा तो क्या पूरा एरिया जो है दोस्तों कवर हो जाएगा, तो कहीं नहीं दिखेगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर इसका वेस्ट पाइप को मैं सीमेंट देकर यहाँ पर इसको लगा दिया। उसके बाद में इसका कनेक्टर पाइप को मैं एंगल कॉक के साथ में लगा देता हूँ, टाइट कर देता हूँ। और आप देख लीजिए इसके नीचे के साइड में उसका एंगल कॉक दिया हूँ, ताकि कोई मेंटेनेंस हो, अगर पिलर को ख़राब हो जाए तो वहाँ से उसका एंगल कॉक बंद कर यहाँ पर इसका पिलर कॉक चेंज किया जा सकता है आसानी से। अब देख सकते हो बेसिन जो है अब लग गया है। अब मैं आपको पानी चालू करके बताता हूँ इसका पानी का फ्लो, और अभी मैं आपको बताऊँगा उसको टेस्टिंग कर। देख लीजिए दोस्तों ये आउटलेट का वेस्ट पाइप, उसके बाद में यहाँ पर ये एंगल कॉक, उसके बाद में इसका ये कनेक्शन पाइप ऊपर की तरफ पानी जाने के लिए। तो आप देख सकते हो मैं इसका दोस्तों पिलर कॉक को चालू कर दिया हूँ और पानी यहाँ पे बेसिन में जा रहा है वेस्ट कपलिन से। अब मैं इसको इस वेस्ट कपलिन को पुश करूँगा तो ये लॉक हो जाएगा यहाँ पे। अब देख लीजिए दोस्तों, अब अगर आप पानी इसमें स्टोरेज रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हो इस वेस्ट कपलिन के थ्रू से। और उसके बाद में इसको जैसे मैं प्रेस करूँगा ये अनलॉक हो जाएगा और पूरा पानी जो है तुरंत ही निकल जाएगा। तो ये पॉपअप वेस्ट कपलिन जो है इसका यही बेनिफिट है, आप पानी को रख सकते हो। अब देख लीजिए, अब नीचे के साइड में ये सब जो है सब फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी कोई लीकेज नहीं है दोस्तों। ये जो है टेबल टॉप वॉश बेसिन को मैं सही से आप लोगों को लगाकर बताया हूँ। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा, मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।